मिशन के साथ जुड़ा हुआ है। कमाल है, आप हर बात को पेट से कैसे जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, वेलकम टू मूवीज ज्ञान। आज हम बात करेंगे टॉप 10 फील गुड मूवीज के बारे में, जिसे आप अकेले ही नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी देख सकते हैं। और वेरी डेंजरस। और इन मूवीज को देखने के बाद आपका दिल थोड़ा इमोशनल भी फील होगा और दूसरी तरफ आपको काफ़ी अच्छा भी फील होगा। तो इन मूवीज़ के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तो नंबर पे है द मिनारी, जो कि कोरियन मूवी है। 2020 में रिलीज़ हुई थी ये मूवी, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5। इस मूवी में दिखाया गया है कैसे एक आदमी अपनी फैमिली के साथ दूसरे देश में शिफ्ट हो जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए। इसको एक ऑस्कर अवार्ड मिला है। अकॉर्डिंग टू मस्ट वॉच मूवी। नवे नंबर पे है यस मैन, जो कि एक कोरियन इंग्लिश मूवी है, जो 2008 में रिलीज हुई थी, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.8। इस मूवी का दोस्तों मुझे स्टोरी और प्लॉट काफ़ी अच्छा लगा। अगर थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊं, तो इस मूवी का हीरो जिम कैरी हर चीज़ के लिए बस ना करता है, पर फिर कुछ ऐसा होता है कि उसको हर चीज़ के लिए बस यस ही कहना होता है। तो इस मूवी को आप देखेंगे तो पता लगेगा कि ये मूवी कितनी अमेजिंग है। और हाँ, जिम कैरी की एक्टिंग वाजिवा, मज़ा ही आ जाता है। मज़ा आया। आठवें नंबर पे है ओम शांति ओशाना, जो कि एक मलयालम मूवी है, जो 2014 में रिलीज़ हुई थी। इसको आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 7.7। ये मूवी मेनली एक लड़की पर फोकस करती है, जिसे एक लड़का पसंद आ जाता है, तो उससे शादी करने के लिए वो पता नहीं क्या क्या करती है। और एक क्यूट सी लव स्टोरी भी हमें इसमें देखने को मिलती है। सातवें नंबर पे है पिकू, जो कि एक हिंदी मूवी है, जो 2015 में रिलीज़ हुई थी, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.7। इस मूवी में तीन लोगों की जर्नी काफ़ी ब्यूटीफुल एंड फैंटास्टिक वे में दिखाई गई है, जिसका क्रेडिट सुजीत सरकार इसके डायरेक्टर को जाता है। और एक्टिंग के मामले में अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण को काफ़ी अच्छे से काम किया है। पर इरफान खान की एक्टिंग OMG काफ़ी सही, मतलब बहुत शानदार। ये एक हाईली रिकमेंड मूवी है मेरी तरफ से। छठे नंबर पे है द लंच बॉक्स, जो कि एक हिंदी मूवी है, 2013 में रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है, एक आदमी का लंच बॉक्स इंटरचेंज हो जाता है, जिससे कहानी में काफ़ी ट्विस्ट सा आ जाता है, जो देखने में काफ़ी फील गुड लगता है। इसमें इरफान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग देखने लायक है। पाँचवें नंबर पे है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जो कि एक इंग्लिश मूवी है। ये मूवी 2006 में रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 8.0। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसकी स्टोरी एक सिंपली मिडिल क्लास मैन की है, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सभी चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहा है। फिर उसका अपनी वाइफ से डाइवोर्स भी हो जाता है, और उसे अपने बच्चे को पढ़ाना भी है और उसकी अच्छे से देखभाल भी करनी है। उसके लिए वो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करता है, ये सब दिखाया गया है। और इसका आइकॉनिक इंटरव्यू वाला सीन अभी भी देखो तो काफ़ी औसम लगता है। ये मूवी हमें ज़िंदगी के कई फलसफे भी सिखाती है। और हाँ, इसमें विल स्मिथ की एक्टिंग इतनी नेचुरल लगती है कि आप ना चाहते हुए भी इमोशनल हो जाते हैं। चौथे नंबर पे है लाला लैंड, जो कि एक इंग्लिश मूवी है। ये मूवी 2016 में रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 8.0। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ये मूवी म्यूजिक और रोमांस का बैलेंस्ड और एस्टोनिशिंग कॉकटेल है, जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। और हाँ, इसकी एक्ट्रेस एमा स्टोन को इस मूवी के लिए एक ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। तीसरे नंबर पे है होम, जो कि एक मलयालम मूवी है, 2021 में रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 9.0। इसे आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं।
इस मूवी में फैमिली रिलेशनशिप्स और कैसे लोग रियल लाइफ के बजाय वर्चुअली कनेक्ट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये सब दिखाया गया है। काफ़ी क्यूट बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाली मूवी अगर कोई है तो यही है। सच में इट्स अ मास्टरपीस। दूसरे नंबर पे है हम दो हमारे दो, जो कि एक हिंदी मूवी है जो हाल ही में डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई है। इसकी IMDb रेटिंग है 6.5। ये मूवी आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ कर या तो फिर लेट कर भी देख सकते हैं। स्टोरी तो कुछ अलग नहीं है, फील गुड एक्टर होने की वजह से बोरियत फील नहीं होती है। इसे एक बार तो आप अपना टाइम दे ही सकते हो। पहले नंबर पे है द ग्रीन बुक, जो कि एक इंग्लिश मूवी है जो 2018 में रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 8.2। इस मूवी को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं। इस मूवी में एक म्यूजिशियन और ड्राइवर की जर्नी दिखाई गई है, जिसमें काफ़ी स्वीट, फनी और इमोशनल मोमेंट भी आते हैं। और ये मूवी हमें बहुत कुछ सिखाने के साथ साथ एक समाज का आईना भी दिखाती है। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ मस्ट वॉच फॉर यू। आपको कौन सी मूवी अच्छी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। और हाँ, व्हाट्स योर फेवरेट फील गुड मूवी, टेल मी इन द कमेंट्स। ओके बाय।